बताइए, वहाँ से प्रोसीजर आपने बताया कि वो 3 दिनों के तक उसको सुखाया जाता है, मॉइस्चर को मेंटेन रखा जाता है, उसके बाद क्या प्रोसीजर आपका खाद का? देखो, हमने यहाँ पे दो तरह की हमने शीट बिछाई हुई है, दो तरह की। हाँ, वहाँ तो आज का माल उतरा हुआ है, वो जैसे आप पीछे देख सकते हो, पीछे दिखा दीजिए, वो देखो, वो अभी लड़के वहाँ पे माल उतार रहे हैं। और उसके बाद ये 2 दिन पुराना हो गया, इधर देखो आप सर, देखो 2 दिन पुराना हो चुका है। और अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पे उसकी तुलना में कम गीला है, कम गीला है जी सर, वो ज्यादा गीला था। हाँ, वो ज्यादा गीला है, ये 2 दिन पुराना है, इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है। तो हमारे लड़के क्या करते हैं, इसको हाथ मार के ना इस तरीके से इसको करते हैं ताकि इसका मॉइस्चर उड़ जाए और इसकी जो मतलब छाने लायक अच्छा हो जाए, छाने लायक हो जाए। जी सर, जब तक ये छाने लायक नहीं होगा तब तक हम इसको इसी तरह प्रोसीजर में रखेंगे। जी, गर्मियों में होता क्या है कि इसका मॉइस्चर, गर्मियों में टेम्परेचर होता है 40-45 डिग्री, तो आपने सुबह खाद डाली, शाम को सूख के मिल जाती है आपको, इसको छान देते। अब मौसम सर्दी का है तो अभी ना तो धूप निकलती है और इसको सूखने में 2-3-4 दिन लग जाते हैं। जी, एक बात और सर, मैं उतना ही माल निकालता हूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा नहीं निकालता हूँ मैं। अब देखो ये जो है खाद, ये है, ये आप देखो, ये देखो आप, ये वहाँ उस प्रोसीजर के बाद दिखाएंगे। जी, वहाँ से जब हमारी खाद सूख जाएगी तो उसको हम अपनी मशीन में डालेंगे, मशीन में डालने के बाद जब ये माल सूख जाता है तो इस तरह का बन जाता है, जैसा कि अभी बिल्कुल ये सूख गया है और हथेली में अगर रख के हम जीते हैं तो पूरा ये गीला गीला नहीं है, बिल्कुल ही माल मार्केट में रेडी टू सेल है, मतलब इसके बाद हमारी पैकिंग होगी, पैकिंग होकर हम इसको अब सेल करेंगे हम। लेकिन इसको छानने के लिए भी तो प्रोसीजर आप अपनाते हैं, वो छानने वाला क्या है? सर, ये हमारी मशीन है, ये मैनुअल मशीन है, मैनुअल। हाँ जी, इसको हम हाथ से चलाते हैं और इसमें हाथ से चलाने के बाद इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारा 4 mm का छाना लगा हुआ है, 4 mm का छाना लगा जो छानता है, जो ये वाला, तो ये जो है अभी छानने के बाद है या छानने के पहले है? छान के तैयार है सर ये। अच्छा, अब इसके हम पैकिंग कराएंगे। एक बार आप ये भी दिखा सकते हैं मैनुअल, ऐसे नॉर्मल चलाते हुए ये मशीन को कैसे चला जाता है? जी, ये कोई भाई लोग इसमें आए हैं। विनोद भाई, आप बताइए कि आपका ये जो मैनुअल मशीन है जिससे खा रहे ये तैयार होता है, छनता है, बताइए इसके बारे में। जैसे हमारी ये मशीन है, एक लड़का वहाँ खड़ा होकर इस तरह से इसका यूज़ करते हैं, और इस मशीन का हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा 4 mm का झालना होता है और इस छलने के अंदर ये हमारी टॉप क्वालिटी की ये खाद बन के तैयार होती है। ये मशीन मैं भी, विनोद जी, मैं भी चला के देखना चाहता हूँ। जरूर जरूर सर, जरूर देखिए कितना मेहनत का काम है, कैसे बनती है, तैयार होती है। मैं चला के इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कोई भी कार्य में मेहनत जरूर होता है और बिना मेहनत के कोई अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती है। तो बड़ा अच्छा सा भी लग रहा है और ये एक तरह से कसरत का भी काम है। जी, अगर आप कसरत करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ है, आपको जैविक खाद भी मिलेगा। जी, तो इस तरह से ये 4 mm की जो ये छन्नी है ये छन के फिर नीचे की तरफ ही आता है। अब ये वीडियो में ये दिखाइए, छनने के बाद देखिए कैसे आया। आइए वीडियो में दिखाइए, अब आइए इधर घुमा दो थोड़ा। आप माता जी को भी देखिए, आप वीडियो में कितना मेहनत का काम कर रही है। हमारे घर की माताएं बहनें में जो ताकत है वो मर्दों में नहीं है, मेरा ये मानना है, तो वो देख लीजिए ताकत इस वीडियो के माध्यम से। दूध पीते हैं 1 किलो रोज की, वो भी देसी गौ माता का ही दूध पीती है माता जी। आइए अब दिखाओ सर, हम आपको दिखाते हैं हमारी जो पैकिंग है वो किस तरह की है। आप देखो यहाँ पे, ये हमारी 3 तरह की पैकिंग है, 3 तरह की, जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसमें 5 kg की है, आप देखो ये हमारा 5 किलो 5 kg का ब्रांड है। वीडियो में इस पे दिखाइए पैकिंग अच्छे से। इसके बाद हमारा ये 1 kg का ब्रांड है और फिर सर ये हमारे आपको ये हमारा ये 1 किलो की पैकिंग भी दिखा दीजिए अच्छे से, दिखा दीजिए ये पैकिंग है 1 किलो 5 किलो की पैकिंग हाथ में लेके दिखा दिया, 50 किलो की पैकिंग हाथ में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी पैकिंग देखिए, 50 किलो की पैकिंग है और बहुत अच्छी पैकिंग है। इसके ऊपर लिखा है 100% ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, जैविक तरीके से खाद बनाया गया, पावरफुल लैंड एंड पावरफुल नेचर, जो कि इनका जो ब्रांड है, जो खाद का नाम है वो आपको सबको याद रखना है, अर्थ सेवियर ऑर्गेनिक। इसी बीच में मेरा एक सवाल विनोद भाई से है कि उनका मैंने वेबसाइट भी देखा है, वो वेबसाइट है,
वेबसाइट भी आपका है तो वो बताइए वीडियो में, और उस पर भी ऑनलाइन जाके परचेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, वो बताइए उसके बारे में थोड़ा। आप मेरे वेबसाइट है www.earthsavior.in के नाम से है, और आप मुझे मेरा जो कैटलॉग है आप उसको ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। कोई भी भाई किसी को कहीं भी ऑल ओवर इंडिया वर्मी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, और आपको मैं बेस्ट क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे कि विनय भाई ने देखा है हमारा पूरा काम करने का तरीका ए से लेके जेड तक। तो होता क्या है कि सर, मार्केट के अंदर ना हर तरह का करप्शन होता है, हर जगह करप्शन होता है, यहाँ भी करप्शन होता है। तो करते क्या है कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या क्या है कि वो अच्छी पैकिंग छपवा लेते, मेरे से भी बहुत सुंदर पैकिंग, उन्होंने पैकिंग के ऊपर बड़ा मोटा पैसा खर्च किया हुआ है। तो करते क्या है कि वो अब हर आदमी सोचता है कि वर्मी कंपोस्ट का नाम ब्लैक गोल्ड है। तो ब्लैक गोल्ड होता क्या है कि वो देखने में ऐसी लगती है जैसे कि पीछे उधर, बाकी ये वर्मी कंपोस्ट का अच्छा रंग असली कलर नहीं है, वो मॉइस्चर के साथ है। असली जो कलर होता है वो ये होता है, चाय पत्ती वाला कलर, चाय पत्ती वाला कलर ये होता है। हाँ, ये असली वर्मी कंपोस्ट होती है, इसके अंदर 20% तक मॉइस्चर होता है। असली वर्मी कंपोस्ट में ना तो आप कभी बदबू मारेगी, ना उसमें से पानी निकलेगा, और ना ही आप अच्छा। एक और मैं इसके आपको बताता हूँ, वर्मी कंपोस्ट जब आप उसको धूप में रखोगे तो धूप में रखने के बाद ही बिल्कुल चाय पत्ती रंग की निकली आएगी, तो ये असली वर्मी कंपोस्ट है, खरीदो। इसी बीच में आपसे पूछना चाहूँगा विनोद भाई कि जो आपका जैविक खाद है वो लेने वाले कौन कौन लोग हैं, आपसे कितने लोग जुड़े हैं, वो उसके बारे में बताइए कौन कौन है। मैं हर उस भाई से बताना चाहता हूँ जो इस काम को करना चाह रहा है, जिसने किया हो। वर्मी कंपोस्ट क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके घर में एक पौधा है और जिसकी बहुत बड़ी बागवानी सब यूज़ करते हैं। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट वो है जो कि केंचो द्वारा तैयार की हुई खाद होती है। इसके अंदर एनपीके की मात्रा बहुत होती है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तो ये बहुत अच्छी मात्रा में इनके अंदर होता है, और जो कि जमीन के लिए वरदान होती है। इसके अंदर जो हमारा जो सादा गोबर होता है उसकी तुलना में 6 गुना ज़्यादा ताकत होती है, इससे जमीन की एरेशन ताकत बढ़ती है। और एक चीज़ और कि अगर जो आप नॉर्मल खाद डालोगे उसमें आपको 6 पानी देने होंगे और इसके अंदर आपको 3 पानी देने होंगे, तो ये इसके फायदे होते हैं, और ये बहुत अच्छी खाद है। और मैं हर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूरिया DAP की जगह इसको यूज़ करो, ये आपकी ज़मीन के लिए वरदान है। ये ज़मीन की ऊपर की जो सतह होती है उसको पोपली बनाती है ताकि पानी उसमें अच्छे से रिसाव हो जाता है। तो विनोद भाई, जो आपका ये जो पैकिंग 1 किलो 5 किलो 50 किलो की खाद की है, जैविक खाद है ये, इसका क्या आपने लैब टेस्ट भी कराया हुआ है क्या? बिल्कुल सर, मैंने इसकी लैब टेस्ट किया है, और इसकी लैब टेस्ट जो है वो मैंने अपना पूसा से किया है। पूसा अपना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली है, जिसकी 2000 से ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है, तो वहाँ पे मैंने इसकी लैब टेस्ट कराई है, और मैं आपको अभी अपनी लैब रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कितनी मात्रा में इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, और फास्फोरस है, सब कुछ इसके अंदर आप देख सकते हो। ये देखो साहब, मैं आपको अपनी खाद, ये देखिए लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ये विनोद भाई की जो जैविक खाद का सैंपल है, मैन्योर सैंपल इज नॉर्मल, मतलब जो ये रिजल्ट में आया है, मतलब नॉर्मल मतलब इन द सेंस कि कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर। ये हमारे ब्रांड का नाम है अर्थ सेवियर ऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनका ब्रांड है। नाइट्रोजन 2.76 है, पोटेशियम 0.71 है, कैल्शियम 26.2 है जी। इस सारे जो भी खाद में है सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, तो इस तरह से ये लैब रिपोर्ट है जी। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना डिपार्टमेंट है, कहाँ का एड्रेस है, सब आप इसमें सब मेंशन किया हुआ है। सेंट्रल लेबोरेटरी फॉर सॉइल एंड प्लांट एनालिसिस, और जहाँ पे उन्होंने कराया वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो लैब टेस्ट रिपोर्ट का खर्चा आया है वो 4600 रुपये के करीब विनोद भाई आया है जी। बिल्कुल, तो जो लोग ये सोचते हैं कि लैब टेस्ट रिपोर्ट ऐसे ही कहीं से भी हो जाता है सस्ते में, तो हर चीज़ का जो अगर डिटेल में लैब रिपोर्ट होगा तो इतना खर्चा आएगा आपका, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि मिलावट नहीं है। एक होता है मुंह से बात बोलना, तो सामने वाला आप पे तब भरोसा करेगा जो आपका वो निजी होगा, संबंधी होगा, परिवार का होगा, दोस्त होगा, लेकिन एक अनजान व्यक्ति इस रिपोर्ट पे ही वो आप पे भरोसा या ट्रस्ट करेगा। बिल्कुल सर, अनजान व्यक्ति, तो ये है सबूत।
आम जनता सबूत मांगती है हर चीज का, ये वो सबूत है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और विनोद भाई से जितना जल्दी आप लोग संपर्क कर लेंगे उतना ही आपके जमीन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा ये सुनहरा अवसर है उनसे जुड़ने का। भाई जैसा कि आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग जो आपके जैविक खाद को परचेस कर रहे हैं, अभी मेरा जो सवाल मेरे मन में है वो आप भाप चुके हो। जी जी जी। तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि विनोद जी उसको भाप चुके हैं, जान चुके हैं। तो वो अब ये देखना है कि वो भाप चुके हैं क्या, यही एक करामात है, बताइए। हाँ सर, जैसे सबके जनता के जो लोग YouTube में वीडियो भी देखते हैं तो उनके जमा प्रश्न आते हैं कि भाई क्या ये हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर अगर जो हमें इसमें काम में कोई एडवाइस चाहिए या फिर हमें वॉर्म सी क्या अवेलेबल करा सकते हो, नहीं करा सकते हो केचुआ या जैविक ये सब। जी देखो सर, किसी भी भाई को इस काम में कोई इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे आ सकता है और आके अपना यहाँ पे इसके बारे में भरपूर ज्ञान ले सकते हैं। उसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। जी फ्री ऑफ, हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आओ और अपना नियम तौर पे, जैसे मेरा यहाँ पे काम शुरू हो जाता है मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, आप आओ अपना ट्रेनिंग करो, इंजॉय करो, जो भी कुछ कोई भी हेल्प चाहिए मैं 24/7 यहाँ पे अवेलेबल हूँ। हमने सर अपने गेहूँ लगा रखे हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे फिर अपना ये पालक लगा रखा, पालक लगा रखा है और इधर अपने हमने चीकू के पेड़ लगा, चीकू का पेड़ लगाया हुआ है। जी हाँ, फिर इधर आप दिखाइए, वीडियो में दिखाइए जो जो सब्जियां लगाई हुई है। गाजर लगा रखी है, गाजर बैंगन लगा रखे हैं, गाजर और बैंगन। हाँ जी ठीक है, गाजर और बैंगन। उधर हमने मूली लगा रखी नीचे, हाँ मूली भी दिखाइए, लगा रखी है, पालक लगा रखी है, मूली चना लगा रखे है, टमाटर लगा रखे है, पूरा दूर दूर तक पूरा वो कवर कर लीजिए। बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि विनोद भाई जैविक खाद का काम 2-1 साल से कर रहे हैं वो, हाँ जी, तो आप इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, इनका खाद का काम कैसा है? खाद का काम इनका बहुत अच्छा है भैया का, हमारे का। हमने इस खाद को अपने ऊपर पहले प्रयोग किया है, सब्जी वब्जी बोई है, काफी अच्छी सब्जी होती है, बहुत ही जल्दी फास्ट सब्जी होती है, हमने अब भी लगाई है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी सब्जी होती है। आजकल लेना हर चीज मिलावटी चल रही है जी, तो ये बिल्कुल एकदम शुद्ध और ऑर्गेनिक है, इसे हम अपने घर में ही खुद सब्जी बना उगाते हैं और बनाते हैं और यहीं से खाते हैं, तोड़ के ले जाते हैं। इनका जो एक खाद का काम है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने फ्रूट के पेड़ लगा रखे घर में, मैं यहीं के खाद लेके जाता हूँ, यहीं से जैसे अमरूद के पेड़ हुए, मौसमी के हुए, संतरा के हुए, और भी मतलब बहुत तरीका के पेड़ लगा रखे, चीकू के, यही खाद यूज करता हूँ मैं मेरे, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े पेड़ है, उनमें अभी से ही इतने बड़े बड़े अमरूद लग रहे हैं मतलब इस खाद से। और जो मैं पहले यूज करता था, पहले पेड़ थे उसमें कुछ नहीं था, खूब काफी बड़े बड़े थे। अरे गौरव भाई, मेरा ये सवाल है आपसे कि विनोद भाई जो हैं उनका जैविक खाद का जो काम है वो काफी अच्छा है, आपका विचार जानना चाहता हूँ। और दूसरा, वो व्यक्तिगत रूप से किस तरह के इंसान है, और भी जो बातें आप बता सकते हैं उनके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा जो विनोद जी हैं वो मेरे जीजा जी हैं जी। और दूसरा ये कि विनोद जी ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो उनका करियर गोल था वो था देश विदेश में घूम के, और मतलब वो एक गाइड का एक काम करते थे, और मेरे को लगता है कि उन्होंने 10 से 12 कंट्रियों का सफर किया हुआ है। तो पीछे जैसे लॉकडाउन लगा तो उस वजह से कहीं ना कहीं लगा के मतलब हमारे परिवार में, हमारे घरों में, और ये इतनी सारी मिलावट चल रही है चीजों में, तो उन्हें लगा, उनका एक पैशन था कि एक ऐसी चीज करी जाए परिवार के लिए कि जिससे सबको ही मतलब एक मदद मिले, और जी हाँ एक मदद मिले उसके लिए। तो फिर विनोद जी ने ये कदम उठाया, तो शुरुआत में तो हम लोगों को भी लगा कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं, जो बंदा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हो, जहाजों से जिसने सफर किया हो, तो बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है जी। हाँ जी, पर एक साल के अंदर अंदर विनोद जी ने, आप देखिए, 100 बेड बनाई दिए जो कि काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है जी बिल्कुल। और मैं बल्लोगढ़ से स्पेशल मेरा जो है यूनिट है, मेरे फ्रेंड्स है, फरीदाबाद में मेरा गोल है, तो वहाँ पे जितने भी मेरे सर्कल है तो सबके यहाँ पे यहाँ से ही सप्लाई आ जाती है, और सबका रिजल्ट में आई थिंक सो मतलब इट्स 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। हाँ जी, तो मेरे को जो मतलब पिछले एक साल से जिन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था विनोद जी के इस खाद को, तो स्पेशली वो मेरे को आजकल फोन करके बोलते हैं कि गौरव जी वो जिया जी को फोन कीजिए और उनसे जो है मेटेरियल दिलवा दीजिए। वो अपने यहाँ पे टेरिस पे ऐसे गार्डन बनाए हुए हैं उन्होंने, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो सात्विक की तरफ जाना चाहिए, और सात्विक का पहला स्टेप ये खाद है। बिल्कुल जी, हाँ तो ये बढ़िया है इनके लिए। और रही व्यक्तित्व की बात, तो हमने तो अपनी बहन दे दी जी।
जीजा बना लिया तो व्यक्तित्व में तो कोई कमी नहीं है फिर। और जैविक खेती तभी हो सकती है जब जैविक खाद आपके पास हो या बनाना जानते हो। बनाना जानते हो, देखो जैविक खाद बनाना ये कोई आसान विधि नहीं है, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा। और वैसे तो भारतीय संस्कृति में मिट्टी में मिट्टी होना बड़ी आम बात है, कोई ऐसा बड़ा है नहीं इसमें, पर ये बहुत ही बढ़िया मसला है और इन्होंने बढ़िया किया है। अब तो हमारे घर में भी और जब से एक दिया है तो बच्चों का जो है हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ गया है। अच्छा, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो इस खाद से जो बनी हुई सब्जियां गेहूं और जो इसका जो अगर आउटपुट की देखें वो 100% रिजल्ट है। और मैं तो पूरे भारत को और सभी अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, जो भी ये करना चाहते हैं विनोद जी की सारी डिस्क्रिप्शन इस लिंक में दी हुई है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी उनको ट्रेनिंग से लेके और सप्लाई तक। तो जो ये सब्जियां हैं, हाँ जी, तो इन सब्जियों का भी प्रयोग आप अपने घर में कर रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, हम जो ये सब्जियां हैं स्पेशली फिलहाल तो घर के लिए ही बोते हैं और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनके लिए भी दे देते हैं। घर का पालक, गाजर, मूली, सीजन के हिसाब से जो सब्जियां होती है सारी में जैविक खाद लगाते हैं, यहाँ तक कि गेहूं भी सारी और पीछे चावल जो कटाई हुई है, जो चावल की कटाई हुई है वो भी हमने जैविक खाद के थ्रू ही अपना सारा किया है, उसमें कोई यूरिया डीएपी हम यूज ही नहीं करते, हमने बंद ही कर दिया। क्या हाँ, हमारे जैसे लोगों या आम जनता आवाम के लिए जो जैविक फल फ्रूट सब्जियां खरीदना चाहते हैं, क्या आपके फार्म से आने वाले समय में ये प्राप्त हो सकेगा, इसके बारे में कुछ सोचा है? हाँ जी बिल्कुल सोचा हुआ है, अब के साल में आने वाले समय में हमने जो सबसे पहले तो मशरूम की खेती करने का लिए पूरा प्लानिंग कर लिया जी, एक एकड़ में मशरूम की खेती के लिए पूरा मतलब हमने प्लानिंग कर लिया, उसका जो भी रॉ मेटेरियल है, उसका जो जैविक खाद हमारे पास होता है और उसके लिए बीज वगैरह का सबका इंतजाम कर लिया है। आने वाले साल में हम जरूर जो है अपने मिलने जुलने वाले गांव के और सप्लाइयों को और बढ़ा देंगे और उसके लिए हमने एक बाग भी तैयार करा है जी। हाँ जी हाँ जी, और स्पेशली हमने जो है 1200 गज जगह में जो है एक बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ सब्जियां होंगी और वो लोकल मार्केट में हम सप्लाई करेंगे, उसमें स्पेशल टैग लग के जाएगा कि जैविक खाद से तैयार करी हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो 3 एकड़ का फार्म है जहाँ पे आधा एकड़ में तो ये जैविक खाद बनाया जाता है, बाकी और सब्जियों का भी काम और गेहूं फसल इस तरह की सब्जियां उगाई जा रही, वीडियो में हमने दिखाया, तो आने वाले समय में खाद के साथ साथ में आपको जैविक फल फ्रूट सब्जियां भी प्राप्त हो सकेंगी, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। और सारे जनता को इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए विनोद भाई ने अपना संपर्क सूत्र वीडियो में बहुत पहले ही बता ही दिया है, जितना जल्दी संपर्क करेंगे, विनोद भाई से एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, इंसान है और समाज के लिए, प्रकृति के लिए, गौ माँ के लिए, इस धरती माँ के लिए, सबके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विनोद भाई की जैसे आप देख रहे हैं ये टीम है, 3 लोगों की टीम है, आइए विनोद भाई से ही जानते हैं उनकी टीम के बारे में, परिचित कराइए आप अपनी टीम के टीम से। जैसे कि कोई भी हम काम करें, कोई भी काम हो ना, तो बिना किसी टीम के वो पूरा नहीं होता जी, अकेले आदमी से कोई काम नहीं होता, इसलिए मेरे पास एक मेरी टीम है, ये मेरे सबसे जो पहले मैंने पुराने समय से काम कर रहे हैं, नाम महेश है, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है, आज इस मुकाम तक मैं आया हूँ, तो इनका अलग काम है, उसके बाद फिर हमारे साथ ये हनी है, दीदी है, ये पुराने है, फिर फ्रेंड है, उसके बाद ये है, ये हमारे पूरा टीम के ध्यान रखते हैं, टीम है, टीम के हिसाब से। आपकी टीम में कोई है ऐसा जो कुछ विनोद भाई के बारे में बोलना चाहे आप तीनों लोगों में से? भाई से अच्छा व्यवहार है, काम धंधे में कोई बोलते बोलते नहीं है, डांटते नहीं है, आराम से प्यार करवाते, मतलब प्यार से काम करवा रहे हैं आपसे, तो मतलब आप इधर काम कर रहे हैं, आप इनके साथ खुश हैं अभी? हाँ अभी खुश हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आपकी ये टीम से परिचित तो हम हो गए विनोद भाई, आखिरी समय में जो ये जनता आवाम माताएं बहने किसान भाई लोग मेरे जो सब्सक्राइबर है या जो कोई भी इस ग्रुप चैनल मेरे जो चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घर बैठे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं वो अगर वीडियो को आप स्किप कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जानकारी आपको मिल नहीं पाएगी, प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आवाम जनता के लिए आखिरी समय में जो वो संदेश मैं विनोद भाई से जानना चाहता हूँ वो बताएंगे तो कृपा हो जाएगी। मेरा संदेश यही है, हर हर भाई से जो भी हिंदुस्तान में रहता है या जिसको ये काम करना है, प्लीज प्लीज धरती माता को स्वच्छ बनाना है, उसके लिए आपको जो अपनी रासायनिक जो केमिकल उनको छोड़ो और उसके छोड़ के अपना आपको जैविक की तरफ आना है, जिससे कि हमारे वातावरण को बहुत ही फायदा हो। आप जैसे देख सकते हो कि आज हमारे पास इतनी ज्यादा मतलब प्रदूषण फैला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं
वो इस रासायनिक के कारण है। तो रासायनिक को छोड़ो और अपना ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक की तरफ चलो। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।